नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर बालोद और हम बात करने वाले हैं कि यहां पर निकल करके आया हुआ है दुर्ग का, तो अर्थात हम लोग बिलासपुर बालोद और दुर्ग का जहां पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तरफ से सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, इसको हम किस प्रकार से भर सकते हैं, इसकी अंतिम तिथि कब है और इसको आवेदन किस प्रकार करना है और इसकी शैक्षिक योग्यता, इसकी वेतन मान के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश बिलासपुर की तरफ से 10 जनवरी 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर आपको आवेदन जो है 15/1/2022 प्रातः 11 बजे से लेकर के आप अंतिम तिथि जो है 14/2/2022 शाम 5 बजे का आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर पदों की जो बारे में बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए है और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिलासपुर में 3 पद निकल करके सामने आया हुआ है, अर्थात 3 पोस्ट है जो कि स्टेनोग्राफर है, हिंदी, इंग्लिश और सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ पर पदों का जो रोस्टरवाद जानकारी देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और रोस्टरवाद यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित के लिए भी यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 पद है जो कि आपका अनारक्षित पद के लिए है। उसके बाद आप देखेंगे स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कुल 12 पद है, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो आप लोग देखें यहाँ से पूरा रोस्टर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो ये जो है तो 18 पद अच्छा खासा निकल करके आया हुआ है, जहाँ पर आपको रोस्टर वाइज जानकारी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 2-2-1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1-1 है, अनारक्षित के लिए आप देखेंगे तो 4-2-1-1 इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको आप जरूर से भी देख सकते हैं। पदों की संख्या जो है आप परिवर्तनीय है, घट या बढ़ सकता है, तो ऐसे अग्रणित है। और भर्ती की जो पात्रता नियम है, तो स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए आपका वेतन मान जो है लेवल 7 पर लिखा रखा गया है, जहां पर इसका जो ग्रेड पे है यहां आप देख सकते हैं 28,700 रुपये से 91,300 रुपये तक का इसका ग्रेड पे है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित पद के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ जो है स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में आपको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखक या मुद्र लेखक लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखक एवं मुद्र लेखक परीक्षा उत्तीर्ण होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अपन बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी विश्वविद्यालय का राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्थात DCA का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, साथ MS वर्ड की जानकारी और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान जो है आपको होना चाहिए। और सेम इसी प्रकार से आपका स्टेनोग्राफर के लिए है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी के लिए भी पद जो है, जो आपका न्यूनतम योग्यता जो है, जैसे अभी मैंने पूर्व में बताया, वही आपका होने वाला है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर वेतन लेवल मैट्रिक लेवल 4 पर, जहाँ पर आपका बेसिक होने वाला है 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक का आप यहां पर देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहां पर आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंक के साथ स्नातक का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में जैसे कि हमने कहा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से सिगरेट का मुद्र लेखन बोर्ड या शासन के द्वारा हिंदी मुद्र लेखन में परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, सही है, साथ में और DCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपको कंप्यूटर
कंप्यूटर का भी ज्ञान होना, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार से आपका दिया गया है। आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आयु पर छूट दिया गया है। और यहाँ पर अन्य शर्तें जो दिखाया गया है कि रोजगार कार्यालय में इनका जीवन पंजीयन होना चाहिए। और यहाँ पर आपका परीक्षा अवधि 3 वर्ष का होगा, प्रथम वर्ष में आपको 70% वेतनमान दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में आपको 90% वेतनमान आपको प्रदान किया जाएगा। और जो भी शासन के द्वारा बीच बीच में भत्ता प्रदान किया जाता है उसको भी आपको प्रदान किया जाएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है आप लोग देख सकते हैं, जितना भी है आपको बॉक्स में बंद लिफाफा में आपको भेजना होगा। यहाँ पर इसका पता भी आपको दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालय में आपको रखे बॉक्स पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको प्रेषित किया जाना है। ये अंतिम तिथि 14/2/2022 है, इसको याद कर लीजिए, 5 बजे तक आपको भेजना है। आपको आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांगता अगर है तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आपको भेजना पड़ेगा। आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पर अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड भी कर लेना है। यहाँ पर विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जो है आप उनके साइट पर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चलिए अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए कौशल परीक्षण होगा, और इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए भी कौशल परीक्षण आपका किया जाएगा। चयन सूची तथा प्रशिक्षा सूची जो है आपको मेरिट सूची तैयार होगा उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप जो कि आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रारूप जो है आप देखें तो इस प्रकार से रहेगा जैसे कि आप हमेशा भरते आ रहे हैं। यहाँ पर आपका फोटो होगा और यहाँ पर आवेदित पद का नाम, मान लो आप स्टेनोग्राफर हिंदी भर रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी, अगर आप यहाँ पर आप सहायक ग्रेड 3 भर रहे हैं तो सहायक ग्रेड 3, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और आपका नाम, इस प्रकार से आपका आवेदन जो है पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अगर आप इच्छुक हैं तो इसको जरूर से भर लीजिए। ये तो रहा बिलासपुर का, चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर बालोद का। तो बालोद में अच्छा खासा पद निकल करके आया हुआ है, यहाँ पर भी आपको हिंदी अंग्रेजी का स्टेनोग्राफर है और सहायक ग्रेड 3 और टेक्निकल मेन पावर संविदा के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, यहाँ आप देखेंगे तो 4 पद निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 पद है, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 1 पद है और सहायक ग्रेड 3 के लिए अच्छा खासा 24 पद निकल करके सामने आया हुआ है। सिस्टम ऑफिसर के लिए 1 पद है जो कि संविदा है, और यहाँ पर सिस्टम असिस्टेंट के लिए 2 पद है जो कि यहाँ पर भी आपको संविदा पद देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सीधी भर्ती है, जबकि नीचे 5 और 6 नंबर का जो कॉलम दिख रहा है वो आपका संविदा पद दिखाई दे रहा है, जहाँ पर टेक्निकल मेन पावर संविदा के रूप में भर्ती आपके लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रोस्टरवाद जानकारी भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने बिलासपुर के लिए बताया सेम योग्यता आपको वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो है यहाँ पर भाई भेजना है वो कुछ अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो सिस्टम संविदा के रूप में यहाँ पर आपका बीई होना चाहिए, जहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कंप्यूटर साइंस हो, या तो फिर इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए, या तो फिर आप मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स ऑपरेशन रिसर्च में भी आपका डिग्री अगर है तो आप इस फॉर्म को जरूर से भर सकते हैं और संविदा में आप लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से सिस्टम असिस्टेंट के लिए जहाँ पर सैलरी जो है 18,400 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग डिप्लोमा ऑफ इन ITI ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, तो इस प्रकार से आपका होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदन का जो शर्त है वो जीवित पंजीयन होना आपके पास जरूरी है, जैसे कि हमने बिलासपुर की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैंने बता दिया है। आवेदन जो है आपको कार्यालय में 7/2/2022 इसका देख लीजिए, बालोद में आपको 7 फरवरी 2022 को यहाँ पर संध्या 5 बजे तक आपको आवेदन को भेजना होगा, जहाँ पर आपको केवल स्पीड पोस्ट या तो फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा। तो यहाँ आपका पता दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं आवेदन पत्र जो है कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बालोद जिला
बालोद को आपको प्रेषित करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि आप कौशल परीक्षण, जैसे कि आप लोग हिंदी अंग्रेजी टाइपिस्ट के लिए है तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, शायद ग्रेड 3 के लिए भी देना पड़ेगा। तो इसका चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आवेदन पत्र का प्रारूप है। चाहे तो आप इसे ही प्रिंट आउट निकाल करके इसे आप भेज सकते हैं और साथ में अपने जितने भी मार्कशीट है उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करके आप उसे भेज सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर दुर्गा का भी आया हुआ है, जहाँ पर नोटिफिकेशन जो है 10 जनवरी को आया है, जिसका अंतिम तिथि जो है आप 25 जनवरी 2022 तक कर सकते हैं। जहाँ पर आपको प्रोग्रामर सहायक प्रोग्रामर है, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी दोनों है, सहायक ग्रेड 3 है और साथ में यहाँ बहुत सारे पद भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर वृत्त दफ्तरी कम परासप फर्रास का भी है, तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर प्रोग्रामर के लिए सहायक प्रोग्रामर के लिए एक पद है जो कि तृतीय वर्ग के कर्मचारी कहलाते हैं। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 22 पद है। इस प्रकार से टोटल 35 पद निकल करके आया हुआ है। आप लोग रोस्टर वाइज आप इसे देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी में कितना पद आया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ वर्ग के श्रेणी के कर्मचारी के लिए, जहाँ पर दफ्तरी कम फर्रास के लिए 5 पद निकल करके सामने आया हुआ है, जहां पर आप लोग यहां पर रोस्टर वाइज भी इसको देख सकते हैं। चलिए हम अब योग्यता के बारे में बात करें, तो यहां पर आपको जैसे हमने बालोद और बिलासपुर के बारे में बताया, सेम टू सेम आपका वही होना चाहिए, सहायक ग्रेड 3 और यहां पर स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी के लिए। तो अब बात करते हैं सहायक प्रोग्रामर पद के लिए, तो यहाँ पर आपको वेतन मैट्रिक लेवल 9 पर रखा गया है, जहाँ पर लेवल जो है यहाँ पर मूल वेतन आपका 38,100 से शुरू हो जाएगा। योग्यता जो है M2 लिनक्स ओपन सोर्स वेलफेयर विंडोज में कार्य करने का अनुभव के साथ आपको ये आपको होना चाहिए, BEMSC BTEC या MCA की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर जो उच्च शैक्षिक योग्यता वाले को ही यहाँ प्राथमिकता दिया जाएगा। न्यायालय में इको प्रोजेक्ट में कार्य अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर के लिए हमने बता रखा है, आप जान चुके हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। और यहाँ पर भृत्य के पद के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जहाँ पर मूल वेतन जो है 15,600 रुपये से लेकर 49,400 रुपये तक का मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कक्षा 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर ड्राइवर को माली इलेक्ट्रिशियन जो भी दिया गया है उसे आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहे तो आप वहाँ पर इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। चलिए इसका अब हम यहाँ पर इसका आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में यहाँ हम देख लेते हैं। इसका आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। आप लोग इसे ही प्रिंट आउट करके इसे भी भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वप्रमाणित करके आपको कलर फोटो आपको यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ से आपको आवेदित पद का नाम, अपना हिंदी में नाम, अपना अंग्रेजी में नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभ्यर्थी का पूरा नाम जो है यहाँ पर लिंग राष्ट्रीयता आपको भारतीय लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, पत्रव्यवहार का पता, स्थायी पता जो आपका हमेशा जहाँ रहते हैं, जन्म तिथि आपको यहाँ लिखना है, जन्म तिथि को शब्दों में आपको यहाँ पर बता देना है। यहाँ पर 1/1/2022 की स्थिति में आपका आयु कितना वर्ष कितना माह कितना दिन आपको हो रहा है, जहाँ पर हाँ नहीं का जो भी है उसको आपको भर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बिलासपुर बालोद और यहाँ पर आपने दुर्ग के बारे में जाना, तो ये वैकेंसी बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। अगर आप सहायक ग्रेड 3 या तो फिर आप डिप्लोमा यहाँ पर आप हिंदी अंग्रेजी टाइपिस्ट के लिए करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए करना चाहते हैं, या तो फिर आप वृद्ध या तो फिर आप जो भी पद आया हुआ है यहाँ वैकेंसी में उसे भरना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।